आज हम आपको इस कहानी की मदद से बताएंगे कि दुनिया की सबसे अनमोल कहानी आप लोग वीडियो को देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर रहे शिष्यों में आज काफी उत्साह था। उनकी 12 वर्षों की शिक्षा आज पूर्ण हो रही थी और अब वो अपने घरों को लौट सकते थे। गुरुजी भी अपने शिष्यों की शिक्षा दीक्षा से प्रसन्न थे और गुरुकुल की परंपरा के अनुसार शिष्यों को आखिरी उपदेश देने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, आप सभी एक जगह एकत्रित हो जाएं। मुझे आपको आखिरी उपदेश देना है। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए सभी शिष्य एक जगह एकत्रित हो गए। गुरुजी ने अपने हाथ में कुछ लकड़ी के खिलौने पकड़े हुए थे। उन्होंने शिष्यों को खिलौने दिखाते हुए कहा, आपको इन तीनों खिलौनों में अंतर ढूंढने हैं। सभी शिष्य ध्यानपूर्वक खिलौनों को देखने लगे। तीनों लकड़ी से बने बिल्कुल एक समान दिखने वाले गुड्डे थे। सभी चकित थे कि भला इनमें क्या अंतर हो सकता है। तभी किसी ने कहा, अरे ये देखो, इस गुड्डे के में एक छेद है। यह संकेत काफी था। जल्द ही शिष्यों ने पता लगा लिया और गुरुजी से बोले, गुरुजी इन गुड्डों में बस इतना ही अंतर है कि एक के दोनों कान में छेद है, दूसरे के एक कान और एक मुंह में छेद है और तीसरे के सिर्फ एक कान में छेद है। गुरुजी बोले, बिल्कुल सही। और उन्होंने धातु का एक पतला तार देते हुए उसे कान के छेद में डालने के लिए कहा। शिष्यों ने वैसा ही किया। तार पहले गुड्डे के एक कान से होता हुआ दूसरे कान से निकल गया, दूसरे गुड्डे के कान से होते हुए मुंह से निकल गया और तीसरे के कान में घुसा पर कहीं से निकल नहीं पाया। तब गुरुजी ने शिष्यों से गुड्डे अपने हाथ में लेते हुए कहा, प्रिय शिष्यों, इन तीन गुड्डों की तरह ही आपके जीवन में तीन तरह के व्यक्ति आएंगे। पहला गुड्डा ऐसे व्यक्तियों को दर्शाता है जो आपकी बात एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देंगे। आप ऐसे लोगों से कभी अपनी समस्या साझा ना करें। दूसरा गुड्डा ऐसे लोगों को दर्शाता है जो आपकी बात सुनते हैं और उसे दूसरों के सामने जाकर बोलते हैं। इनसे बचें और कभी अपनी महत्वपूर्ण बातें इन्हें ना बताएं। और तीसरा गुड्डा ऐसे लोगों का प्रतीक है जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं और उनसे किसी भी तरह का विचार विमर्श कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। यही वो लोग हैं जो आपकी ताकत है और इन्हें आपको कभी नहीं खोना चाहिए। गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर रहे शिष्यों में आज काफी उत्साह था। उनकी 12 वर्षों की शिक्षा आज पूर्ण हो रही थी और अब वो अपने घरों को लौट सकते थे। गुरुजी भी अपने शिष्यों की शिक्षा दीक्षा से प्रसन्न थे और गुरुकुल की परंपरा के अनुसार शिष्यों को आखिरी उपदेश देने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, आप सभी एक जगह एकत्रित हो जाएं। मुझे आपको आखिरी उपदेश देना है। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए सभी शिष्य एक जगह एकत्रित हो गए। गुरुजी ने अपने हाथ में कुछ लकड़ी के खिलौने पकड़े हुए थे। उन्होंने शिष्यों को खिलौने दिखाते हुए कहा, आपको इन तीनों खिलौनों में अंतर ढूंढने हैं। सभी शिष्य ध्यानपूर्वक खिलौनों को देखने लगे। तीनों लकड़ी से बने बिल्कुल एक समान दिखने वाले गुड्डे थे। सभी चकित थे कि भला इनमें क्या अंतर हो सकता है। तभी किसी ने कहा, अरे ये देखो, इस गुड्डे के में एक छेद है। यह संकेत काफी था। जल्द ही शिष्यों ने पता लगा लिया और गुरुजी से बोले, गुरुजी इन गुड्डों में बस इतना ही अंतर है कि एक के दोनों कान में छेद है, दूसरे के एक कान और एक मुंह में छेद है और तीसरे के सिर्फ एक कान में छेद है। गुरुजी बोले, बिल्कुल सही। और उन्होंने धातु का एक पतला तार देते हुए उसे कान के छेद में डालने के लिए कहा। शिष्यों ने वैसा ही किया। तार पहले गुड्डे के एक कान से होता हुआ दूसरे कान से निकल गया, दूसरे गुड्डे के कान से होते हुए मुंह से निकल गया और तीसरे के कान में घुसा पर कहीं से निकल नहीं पाया। तब गुरुजी ने शिष्यों से गुड्डे अपने हाथ में लेते हुए कहा,
प्रिय शिष्यों, इन तीन गुड्डों की तरह ही आपके जीवन में तीन तरह के व्यक्ति आएंगे। पहला गुड्डा ऐसे व्यक्तियों को दर्शाता है जो आपकी बात एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देंगे। आप ऐसे लोगों से कभी अपनी समस्या साझा ना करें। दूसरा गुड्डा ऐसे लोगों को दर्शाता है जो आपकी बात सुनते हैं और उसे दूसरों के सामने जाकर बोलते हैं। इनसे बचें और कभी अपनी महत्वपूर्ण बातें इन्हें ना बताएं। और तीसरा गुड्डा ऐसे लोगों का प्रतीक है जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं और उनसे किसी भी तरह का विचार विमर्श कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। यही वो लोग हैं जो आपकी ताकत है और इन्हें आपको कभी नहीं खोना चाहिए।